क्या तो सबसे पहले जानना चाहेंगे ऐसे इंडस्ट्री में आने का रुख कैसे आपने किया उसके बारे में। जैसे मैंने आपसे कहा मैं एक ज्वेलरी बैकग्राउंड से हूँ, ज्वेलरी हमारा फैमिली बिजनेस है, तो मैंने शुरुआत उसमें करी थी और वहाँ पे मुझे ज्वेलरी के बारे में उसकी सोर्सिंग से लेकर उसकी मार्केटिंग तक की पूरी जानकारी पूरी प्राप्त हुई है। जब इसका हिस्सा मैं बना तब इसी दौरान मुझे हमारे जो ज्वेलरी के एग्जीबिशन होते हैं पूरे देश विदेश में होते हैं, इसका मुझे एक हिस्सा बनने को मिला। और जब मैं देश विदेश में ट्रैवल कर रहा था तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे आकर्षित हुई थी, मैं जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा आकर्षित हुआ था वो चीज़ थी वहाँ के लोग, जो वहाँ पे जो भाग लेते हैं, जो वहाँ की पर्सनालिटी है, उनके पहनावे, उनके स्टाइल, उनका जो अंदाज है उससे। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को अपने से रिलेट, अपने जो हमें यहाँ पे अवेलेबल है हमारे इंडिया में उससे मैं रिलेट कर रहा था और बहुत ही ओवरवेल्म, मतलब बहुत ही इन्फ्लुएंस हो चुका था मैं इस चीज़ से और कहीं ना कहीं मेरे अंदर इस चीज़ ने जन्म लिया था मेरे पैशन के अंदर। तो मैंने इस चीज़ को मेरा करियर बनाने की डिसीजन लिया। सर, रेस्ट मिलान जो आपका ब्रांड है, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? जी, रेस्ट मिलान जो एक ऑनलाइन फैशन ब्रांड है जो कंप्लीट वार्डरोब सॉल्यूशन की बात करता है, जो सारे प्रोडक्ट्स, उसकी जो प्रोडक्ट्स वो पूरे टॉप टू टॉप के बारे में बात करता है। रेस्ट मिलान तीन मेन पिलर्स के ऊपर खड़ा है, जो है मेक इन इंडिया, ऑर्गेनिक फैशन और सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे अच्छी कारीगरी, क्राफ्टमैनशिप के ऊपर हम इसे हमारा देने का वादा है। सर, जब तक ये, जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन है, तब तक ये पूरे इंडिया में या मुंबई तक स्टोर कब तक आ जाएंगे, मतलब मॉल में अवेलेबल हो जाएंगे अब तक? आउटलेट और रिटेल में जी, हमारा इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा काम शुरू हो चुका है, शुरू ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे इसके ऊपर काम खत्म होने आ चुका है। हमने ऑलरेडी लोकेशंस, सिटीज, सब चीज़ फाइनल कर दी है हमारे स्टोर्स की, पर हमने ऑनलाइन को इसमें शुरुआत करने का इसलिए सोचा क्योंकि ऑनलाइन ही एक चीज़ है जो लोगों तक बहुत ही जल्द से जल्द पहुँच सकती है। हमारा जो अवेयरनेस है, हमारा जो ये मुहिम है ऑर्गेनिक फैशन को, इसे पहले लोगों तक पहुँचाना था, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना था और लोग इसे अपना, ये हमारा मिशन था। तो हमने इसलिए इसकी शुरुआत ऑनलाइन से करी है, पर बहुत ही जल्द आपको सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पर विदेश में भी आपको इस ब्रांड के स्टोर्स देखने मिलेंगे। सर, जैसे कि एज अ ब्रांड एम्बेसडर आपने काजल अग्रवाल को चुना है, तो एज अ फीमेल मेल किसे चुना है, मतलब एज अ ब्रांड एम्बेसडर? जी, मेल के ऊपर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी विचार इसके ऊपर हमारे चल रहे हैं, काफ़ी ऐसे नाम हैं जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। जैसे सर कौन है? जैसे मैं कहूँगा विक्की कौशल, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, ऐसी सेलिब्रिटी, जैसी पर्सनैलिटीज़ को हम देख रहे हैं जिससे हम हमारे साथ इस मूवी में जुड़ सकते हैं। पर जब ये हो जाएगा बिल्कुल अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको फिर बुलाएंगे और हम इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। सर, मंडे टू फ्राइडे क्या है, मतलब आप बताएंगे? मंडे टू फ्राइडे हफ्ते के 5 दिन है जैसे हम सबको मालूम है, पर हमने इसे हमारा टारगेट बनाया है क्योंकि ये 5 दिन का जो प्रभाव पूरे हफ्ते में होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। हम या कोई जो सबसे ज़्यादा कहीं भी एक्टिव होता है वो इस 5 दिन में होता है, तो हमने इस 5 दिन को हमारा टारगेट बनाया है और हम आज इस 5 दिन को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और लोगों के पास एक वजह हो कि इस चीज़ को अपना के एक एक्सपीरियंस के तौर पर इसे अपनाएं। तो जब ये लोग तक पहुँचेगा, जब लोग इसे एक्सपीरियंस करें, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ उनके भी वैल्यूज़ होंगे जो ऑर्गेनिक फैशन के और उन्हें बात करेंगे या उन्हें जागरूक करेंगी, और इसीलिए हमने मंडे टू फ्राइडे फैशन का हमने ट्रेंड। सर, जैसे कि देखा जाए कि इंडिया में तो बहुत सारे ब्रांड है, तो इसमें आपके ब्रांड में क्या अलग है जो बाकी सब ब्रांड में नहीं है, तो टारगेट ऑडियंस भी क्या है आपके? जी बिल्कुल, आप जैसे हमने कहा तीन मेन मोटिव्स पे हमारी ब्रांड आज खड़ी है, वो है सबसे पहली और महत्वपूर्ण है ऑर्गेनिक फैशन, जो कि प्लास्टिक या पॉलिएस्टर के फ्री, प्लास्टिक फ्री फैशन की हम बात कर रहे हैं। दूसरी मेन है कि ये इंडिया की ब्रांड है, ये दिस इज़ मेक इन इंडिया। और तीसरी है कि जिसकी क्वालिटी और जिसकी क्राफ्टमैनशिप की बात करते हैं वो सबसे फाइनेस्ट क्राफ्टमैनशिप और क्वालिटी की बात करते हैं। तो जब हम इस तीन चीज़ की बात करते हैं, ये हमें ऑलरेडी हमारे ब्रांड से, हमारे इंडियन ब्रांड से एक अलग ही जगह पर देखने मिलती है। सर, बात की जाती है ऑर्गेनिक की, क्या आम क्लॉथ से जो है इसके प्राइस जो है हाइस्ट रहेंगे या लो रहेंगे?
नहीं, ये जो एक एक अफोर्डेबल प्राइस कैटेगरी का है, ये एक अफोर्डेबल रेंज है, इसमें ऐसा कोई ज़्यादा हाई या कुछ लोग ऐसे नहीं, एक अफोर्डेबल रेंज है जिसकी प्राप्ति सभी लोग कर सकते हैं और सभी को ये अपना सकते हैं इस चीज़ को। जैसे गांधी जी ने एक सपना देखा था स्वदेशी का, लेकिन बीच में विदेशी कंपनियों ने हायर किया इंडिया पे, तो क्या आप ये ऑर्गेनिक के जरिए स्वदेशी ब्रांड्स बढ़े? जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि आज अगर हम देखें तो जिस चीज़ को हम इम्पोर्टेड कहते हैं, जिस चीज़ को हम इंटरनेशनल ब्रांड से लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो यही जो चीज़ है, यही जो सोच है कि अगर ये बाहर की विदेशी ब्रांड है तो इसकी कुछ अच्छी चीज़ है या जो ये चीज़ है वो है। मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान किसी से पीछे नहीं है, ना कभी था और ना कभी रहेगा। हिंदुस्तान में भी ये चीज़ पॉसिबल है, हिंदुस्तान में भी वो ब्रांड आ सकती है, वो क्वालिटी ला सकती है, वो डिज़ाइन ला सकती है, और हिंदुस्तान कभी किसी से पीछे नहीं रहा है। तो क्यों ना इस फैशन इंडस्ट्री में हम हमेशा विदेशी ब्रांड की बात करते हैं। ये जो स्वदेशी का सपना है, बिल्कुल ये हिंदुस्तान की ब्रांड बनेगी, सबसे बड़ी ब्रांड बनेगी, और एक दिन पूरे इंटरनेशनल ब्रांड के सामने एक हिंदुस्तान की ब्रांड के नाम से जाना जाएगा, पूरा यकीन के साथ। सर, जैसे कि सब यहाँ पे कहते हैं कि ये जो यूथ है, यूथ का फैशन अलग है, और जो 80s मतलब जो हमारे मम्मी पापा है उनका फैशन अलग है, तो उसके बारे में आपने कैसे मतलब डिस्क्राइब किया एज ए क्लोथ फैशन? जब हम फैशन की बात करते हैं तो हमने सारे ही लोगों के ध्यान में रखते हुए हम फैशन की और डिज़ाइनिंग और हमारे स्टाइल्स की बात करते हैं। हमने सभी लोगों के बारे में सोचा, सोच विचार करके हमने हमारे डिज़ाइन लाए हैं। तो आप अगर आपको टाइम मिले तो आप zesmilanji.com में आप जा सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ यंग यूथ के लिए ही डिज़ाइन किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी लोगों के लिए, 80s के लोगों के लिए, 90s के लोगों के लिए, हम सभी लोगों के फैशन के इसमें आपको सभी प्रोडक्ट, सभी चीज़ें इसमें मिलेंगी जो सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। अभी कुल कितने ब्रांड्स हैं आपके कंपनी? सॉरी, अभी कुल कितने ब्रांड्स आपने उतारे हुए हैं मार्केट में आपके कंपनी ऑनलाइन? हमारी जो ब्रांड है वो zesmilanji हमारी ब्रांड है, और हमने इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शुरुआत की है, और हम बहुत ही जल्द इसके स्टोर्स लॉन्च करने वाले हैं, मल्टीपल चेन स्टोर्स लॉन्च करने वाले हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनल। अच्छा सर, तो मेन जो आपके टारगेट ऑडियंस कौन कौन है? जी, हमारे टारगेट ऑडियंस पूरे ही लोग जो फैशन इंडस्ट्री में आज फैशन को आकर्षित होते हैं, हमारे टारगेट ऑडियंस पूरा हिंदुस्तान है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फैशन को बढ़ावा दे रहे हैं। जो सही मायने में, जिसे फैशन में कहना चाहूँगा कि जो हमारी पर्सनालिटी के ऊपर जिसका असर पड़ता है, जब हम कुछ ऑर्गेनिक पहनते हैं, जब हम कुछ मेड इन इंडिया पहनते हैं, जब हमें मालूम है कि ये जो चीज़ हम पहन रहे हैं आज वो मेक इन इंडिया हमारे हिंदुस्तान में बना है, हम प्लास्टिक फ्री है, पॉलिएस्टर फ्री है, और इसकी जो क्वालिटी और इसकी जो क्राफ्टमैनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, जब इससे लोग इसे अपनाएंगे तभी उन्हें इस चीज़ के बारे में मालूम पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ के बारे में जब बात करते हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर बनती है जब आपको मालूम है कि आप ये मेड इन इंडिया की चीज़ आप पहन रहे हो, आपके देश की चीज़ पहन रहे हो, तो ये चीज़ का जो कॉन्फिडेंस और जो कम्फर्ट आपको क्रिएट होता है, वो सीधा आपकी पर्सनैलिटी पर इसका असर देखने मिलता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा टारगेट पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे हिंदुस्तान की पर्सनैलिटी को हमने हमारा टारगेट बनाया है। तो जैसे कि कोई जल्दी फैशन इंडस्ट्री में नहीं आना पसंद करता है, उस हिसाब से क्या कहना चाहेंगे आप एज ए यंगर बिजनेसमैन है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, यही तो चीज़ है कि जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, आज मैं ये कहना चाहूँगा कि कहने के लिए हमारे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने इस चीज़ की मुहिम की शुरुआत करी थी प्लास्टिक को बैन करने के लिए, पर जब हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं तो कई लोग आप ऑनलाइन ऑफलाइन आप सब जगह आपको देखने मिलेगा कि लोग इसके ऊपर काफ़ी चर्चे हो रहे हैं सेव एनवायरनमेंट के ऊपर, पर इस चर्चे का हिस्सा ना बनकर हम क्या कर सकते हैं? तो हमने ये सोचा है कि हम इसके ऊपर हम क्यों ना कुछ एक्शन लिया जाए, इस चर्चे का हिस्सा ना बनकर हम इसका कुछ एक्शन लें कि जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज है, जो फैशन इंडस्ट्री है, उसमें हम कैसे ऑर्गेनिक को ला सकते हैं, हम ऑर्गेनिक फैशन को कैसे उसमें बदल सकते हैं, तो इसलिए ये चीज़ को हमने आगे बढ़ावा दिया है। ओके सर, थैंक यू।